భారత్ చైనా సరిహద్దులో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ 2 రోజుల పాటు లడక్ జమ్మూ కశ్మీర్లో పర్యటిస్తున్నారు. లేగ్ విమానాశ్రయంలో ఆయనకు అధికారులు స్వాగతం పలికారు. సరిహద్దులో పరిస్థితిని పరిశీలించి అధికారులకు సూచనలు చేయనున్నారు రాజ్నాథ్ సింగ్. సరిహద్దులో ఉద్రిక్తతపై ఇటీవలే భారత్ చైనా మధ్య 4వ విడత చర్చలు జరిగాయి. వాస్తవాధీన రేఖ వెంట ఉద్రిక్తతలు తగ్గించడానికి రోడ్ మ్యాప్పై అధికారులు చర్చించారు. నిజానికి జూలై మొదటి వారంలోనే రాజ్నాథ్ సింగ్ లడక్లో సందర్శించాల్సి ఉంది, కానీ వివిధ కారణాలతో వాయిదా పడింది. जो उसकी जनरल सेफ्टी और साथ में उसका ऑक्सीजन इक्विपमेंट कनेक्ट रहेगा. इसके अलावा उसका 3-4 पैराशूट, जिसमें उसका मेन पैराशूट और रिजर्व पैराशूट, ये पैराशूट 204 किलो तक का वजन उठा सकता है और इसकी आगे जाने की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है. इसके अलावा 16,000 फुट से ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से ट्रिपॉलर को अपना खुद का ऑक्सीजन देकर छलांग लगाना पड़ता है. इसके अलावा एक ट्रिपॉलर अपना पर्सनल सामान భారత్ చైనా సరిహద్దులో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ 2 రోజుల పాటు లడక్ జమ్మూ కశ్మీర్లో పర్యటిస్తున్నారు. లేగ్ విమానాశ్రయంలో ఆయనకు అధికారులు స్వాగతం పలికారు. సరిహద్దులో పరిస్థితిని పరిశీలించి అధికారులకు సూచనలు చేయనున్నారు రాజ్నాథ్ సింగ్. సరిహద్దులో ఉద్రిక్తతలపై ఇటీవలే భారత్ చైనా మధ్య 4వ విడత చర్చలు జరిగాయి. వాస్తవాధీన రేఖ వెంట ఉద్రిక్తతలు తగ్గించడానికి రోడ్ మ్యాప్పై అధికారులు చర్చించారు. నిజానికి జూలై మొదటి వారంలోనే రాజ్నాథ్ సింగ్ లడక్లో సందర్శించాల్సి ఉంది, కానీ వివిధ కారణాలతో వాయిదా పడింది. पैराशूट खुलने से पहले 220 किलोमीटर प्रति घंटा व पैराशूट डिप्लॉय होने के बाद 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रिपॉलर नीचे हरकत करता है. साथ ही हर एक मीटर नीचे गिरने के साथ 4 मीटर सामने हरकत करता है. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कॉम्बैट ट्रिपॉल करते वक्त एक ट्रिपॉलर कई पेचीदा व चुनौतीपूर्ण पहाड़ों से हमेशा जूझता रहता है. ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया होना, हवा का घनत्व कम होने के कारण पैराशूट का पूरी तरह डिप्लॉय ना होना और हवा के कम दबाव होने के कारण नीचे से आने की स्पीड ज्यादा होना. अब मैं स्पेशल फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जानकारी देने के लिए उप महानिदेशक महोदय और पैरा स्पेशल फोर्सेस को फिर आमंत्रित करता हूँ. आपने भी देखा कि किस तरीके से हवा के द्वारा हमारे कॉम्बैट ट्रिपॉलर दुश्मन के इलाके में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं. इसी तरीके से पानी के रास्ते दुश्मन के इलाके में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए एक पैरासर बटालियन में कॉम्बैट डाइवर्स मौजूद होते हैं. ये कॉम्बैट डाइवर्स ऑक्सीजन टैंक नामक डाइविंग सेट का उपयोग करते हैं. इस डाइविंग सेट के साथ एक कॉम्बैट डाइवर 1.5 से 2 घंटे तक पानी की सतह के नीचे रह सकता है. इसके अलावा एक कॉम्बैट डाइवर अपना पर्सनल सामान और पर्सनल हथियार जो कि M4A1 कार्बाइन है उसको अपने साथ कैरी करता है. इसके अलावा पानी के नीचे तेजी से मूवमेंट करने के लिए डाइवर्स के पास ड्राइवर प्रोपल्शन व्हीकल होता है. इस व्हीकल के साथ पानी की सतह के नीचे ये डाइवर्स 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं. लड़ाई के दौरान एयरफोर्स के बॉम्ब को सटीक रूप से टारगेट में पहुंचाने के लिए एक पैरासर बटालियन में लेजर टारगेट डेजिग्नेटर नाम का इक्विपमेंट होता है. इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी छोटी टुकड़ी किसी भी टारगेट पे जैसे ब्रिज, कम्युनिकेशन सेंटर इत्यादि उसके ऊपर इससे एक लेजर मारता है. ये लेजर जब टारगेट पे जाता है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है. इस रिफ्लेक्ट हुए लेजर को हमारे जहाज 17 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं और उसके ऊपर अपना लेजर डेजिग्नेटेड बॉम्ब गिराते हैं. वो बॉम्ब इस लेजर के ऊपर सवार होते
अपने टारगेट तक 3 से 5 मीटर की दूरी में पहुंचकर उसको बर्बाद कर दो। इस टारगेट इस इक्विपमेंट की मदद से दिन में 10 किलोमीटर की दूरी से और रात में 5 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को बर्बाद किया जा सकता है। लंबी दूरी तक ऑब्जर्वेशन करने के लिए और लंबी दूरी से दुश्मन के महत्वपूर्ण कमांडर्स को निशाना बनाने के लिए पैरा ऐसे बटालियन में 7.338 लगभग मैगनम स्नाइपर राइफल है। ये दुनिया की सबसे मानी हुई स्नाइपर राइफल में से एक है। इस स्नाइपर राइफल के जरिए 1500 मीटर तक दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है। हाल ही में इसी स्नाइपर का इस्तेमाल करते हुए 900 मीटर दूर से हमारे स्नाइपर ने दुश्मन को निशाना बनाया। इसके अलावा अलग अलग तरह के ऑपरेशन को पूरा करने के लिए एक स्पेशल फोर्सेज बटालियन में काफी सारे स्पेशलाइज हथियार होते हैं। ठीक है, अर्जित अर्जित अर्जित।